गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैंने चाय भी पी लिया है। आज बहुत जल्दी चाय मैंने पी लिया था क्योंकि ठंड बहुत हो गई है अभी, और ठंड के टाइम में शाम में तो बहुत, शाम में कुछ कुछ ये क्या कहते हैं, गर्मा गर्म खाने का तीखा बहुत मन करता है। सबका करता होगा, मेरा ही नहीं, बहुत सबका करता है कि ठंड के दिन में कुछ गरम गरम चाय के साथ शाम में मिल जाए कुछ खाने को तो और भी मज़ा दुगना हो जाता है। तो मैं आज ऐसी ऐसी ही रेसिपी एक आपके साथ लेके आई हूँ। अमेजिंग। तो आज डेली का कुछ ब्लॉग नहीं है, बस एक रेसिपी ब्लॉग है आज। तो मैं ऐसी आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चे और बूढ़े यानी कि बड़े सबको पसंद है वो रेसिपी। तो आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा देर बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जल्दी से हम लोग चलते हैं किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आ गई मैं किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ वेज रोल। वेज रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई गर्म हो गई है। तो मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाल दी है और मैं थोड़ा सा घी, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें घी थोड़ा सा मिला रही हूँ। और आप अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे पसंद इसलिए मैंने इसे डाला घी को। और देख सकते हैं ये अच्छी तरह से हो चुकी है, मिल चुकी है घी। और मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप दे सकते हैं, ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जीरा अच्छी तरह से चटक चुकी है। और मैं यहाँ पे आपको सब्जियाँ दिखा दूँ कि मैं कौन कौन सी सब्जी इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये है प्याज और मैंने मतलब आधा टमाटर इसमें थोड़ा सा काट लिया है बस ऐसे ही। और ये है गाजर, ये है शिमला मिर्च, ये देखिए बीट रूट है, और थोड़ा सा मैंने बंधा गोभी काट के रखा है, और ये मैंने थोड़ा सा अदरक काट के रखा है, और ये है हरी मिर्च, लाल और हरी मैंने ऐसे ही कलर के लिए थोड़ा सा ले लिया है। और ये इस तरह की सब्जियां हैं। अगर आपके पास, आपको जो सब्जियां पसंद है स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे ये सब सब्जियां पसंद है रोल में खाने के लिए, इसलिए मैंने ये सब्जियां डाली और ये सब घर में अवेलेबल भी था तो इसलिए मैं ये सब डाल रही हूँ। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है। ये मैंने हरी मिर्च दे दी और ये है अदरक, ये मैं प्याज डाल दी हूँ इसमें। देखिए थोड़ी देर हम प्याज को पकने छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए बस। फिर इसमें मैं बंधा गोभी ऐड करूंगी। और एक एक करके हम सारी सब्जियां इसमें मिक्स कर देंगे। अब बंधा गोभी मिल जाती है, इसमें ये गाजर मैं कटा हुआ डाल रही हूँ और ये शिमला मिर्च और ये मैं बीट रूट इसमें डाल दूंगी। और ये लास्ट है, ये इसमें टमाटर जो मैंने बताया था कि आधा मैंने काट के रखा है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी और इसको 2 से 3 मिनट तक पकने रखेंगे। ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, फिर बाद में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसको मैं 2-3 मिनट पका के फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्जियाँ हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक
तो अच्छी तरह से ये नमक देने का पक जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं रोल में देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाउमीन उबाल के रखा हुआ है जो मैं रोल में यूज करूँगी। तो कैसे बनाती हूँ तो चलिए आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने रोटी के लिए मैदा मैंने पहले से ही ये आटा को गूंद के अच्छी तरह से रख लिया है। मैदा में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और कुछ नहीं, और मैंने इसे थोड़ा सा गर्म पानी करके इसको अच्छी तरह से मिला के रखा है। इसे गूंदे हुए लगभग मुझे 30 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोग जब भी बनाया कीजिए तो 30 मिनट पहले मतलब मैदा को रखा कीजिए, ताकि मैदा जो ना अच्छी तरह से फूल जाए। इससे क्या होगी आपकी जो है ना रोल की जो रोटी बनती है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए दोस्तों सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से पक चुकी है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये चिली सॉस ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे घर में कोई तीखा नहीं खाते हैं इसलिए। और थोड़ा सा ये टोमेटो केचप थोड़ा सा ऐड करूँगी। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो इसमें मैंने वो जो चाउमीन थोड़ा सा मैंने उबाल के रखा था इसमें मिक्स करने के लिए, मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और इसको मैं अच्छी तरह से आधा मिनट इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, आधा मिनट बस, और फिर रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है रोल के लिए। और इसमें मैं ऐड करूँगी किंग सीक्रेट का ये मसाला थोड़ा सा, ताकि ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, और अब मैं बनाऊँगी रोल के लिए रोटी। तो चलिए दोस्तों रोटी बना के आपसे मिलती हूँ। ये मैंने रोटी को यहाँ पे बेल लिया है, थोड़ी सी दोस्तों बड़ी रोटी बनाइएगा ताकि ये सब्ज़ियाँ जो है थोड़ा अच्छी तरह से इसमें आ जाए। इसलिए मैंने देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रोटी ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब मैं रोटी बना के आपसे मिलूँगी, और मैं ना ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी लेट से आएंगे, तो इसलिए मैं हूँ और मेरी सासू माँ है, तो हम दोनों के लिए भी बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों रोटी बना के आपसे मिलती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने रोटी रेडी की है, दो रोटी मैंने बनाई है, और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा घी में इसको अच्छी तरह से मिला के इसको रोटी बनाया है, क्योंकि रिफाइंड नहीं था घर में, और हम लोगों को रिफाइंड बना है क्योंकि बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि रिफाइंड ना नुकसान करता है, इसलिए रिफाइंड नहीं थे घर में तो मैंने घी में ही बनाया है। तो सॉरी दोस्तों सा गला ख़राब है, तो मैंने घी में ही बनाया था, और आप लोग रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके पास जो है उस जो अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा केचप डाल लूँगी, इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस मिलाया है ताकि खाने में अच्छा लगे। और ये देखिए केचप मैंने अच्छी तरह से मिला दिया, टोमेटो और चिली सॉस, और इसमें मैंने सब्जी डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और गर्म करूँगी रोटी को, देख सकते हैं ये देखिए मैंने सब्जी थोड़ा सा इसको और हल्का सा घी डाल के, आप कुछ भी ले सकते हैं घी तेल रिफाइंड कुछ भी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ इसको घी में, ये देखिए तो आ गए फाइनली किचन से,
और मैंने अभी तक नहीं खाया है। मैं दिखा देती हूँ कि मैंने सच में नहीं खाया है। ये देखिए मैंने नहीं खाया है। मैं आप लोगों से भी थोड़ा गर्म है ज़्यादा, तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसमें जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इसमें मुझे बोलने में कहीं कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी, इसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें आप लोगों से करने लगूंगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फिर, अब आपको बाय करती हूँ और मैंने जो बनाया है वो खाती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर से आइए। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फैमिली में व्यस्त रहिए। बाय बाय। I'm not gonna lie.